हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ तीज स्पेशल अनारसे की रेसिपी, जो इंस्टेंट है, 15 से 20 मिनट में बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल का आटा लिया है। आप मार्केट का भी ले सकते हैं, घर का भी ले सकते हैं। चावल का आटा किस तरह से बनाया जाता है वो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसमें हम 1/2 कप चीनी लेंगे, पिसी हुई चीनी। तो मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा, जितना चावल का आटा है उसका आधा चीनी लगेगा पिसा हुआ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर नॉर्मल चम्मच से घी डाला है, जिससे ये थोड़ा खास्ता बनेगा। और इसमें 1 से 2 चम्मच आप घर की दही डालें, इससे थोड़ा सा जो अनारसे का फ्लेवर होता है वो आ जाता है। इन सब को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूँथेंगे। तो 1-1 चम्मच ही एक एक बार में दूध डालिएगा, क्योंकि जैसे जैसे चीनी पिघलती है तो लूज़ होने का डर है, गीला होने का डर है। तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा, जिससे कि चीनी अपना भी पानी छोड़ेगा और बहुत ही कम दूध में ये आटा लग जाएगा। तो इस तरह का हल्का सा टाइट आटा हमें गूंथना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथना है, क्योंकि जब हम इसे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे तभी और पिघलेगी चीनी। तो इसके लिए तो 15 मिनट के बाद आप इसे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, इतने टाइम में आटा अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तिल लिया है, साथ में कई लोग खसखस भी यूज़ करते हैं, तो जो भी आपकी इधर पर यूज़ करते हो उसको आप ले लें। और इसको हम हल्का सा मसल लेंगे। इसके डो को बनाने में 4 बड़ा चम्मच के आसपास दूध गया है, तो आप दूध गरम कभी यूज़ मत कीजिएगा। दूध ठंडा होगा चलेगा, नॉर्मल होगा चलेगा, गरम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी हम लोई लेंगे और उसको हम तिल के ऊपर डिप करेंगे और उसको हल्का सा चपटा करेंगे, बहुत ज़्यादा चपटा भी नहीं कीजिएगा, हल्के हाथों से ही दबाना है। और इसी तरीके से आप सभी अनारसा बना सकते हैं। तो अनारसा की गोली भी बनती है जो गोल गोल होती है, तो जिस भी तरीके का आपको बनाना हो उस तरह से बना लीजिए। यहाँ पे मैंने घी लिया है और घी को मैंने मीडियम गरम किया है। फ्लेम भी हमारा मीडियम है, ना ही हम इसे हाई फ्लेम पर सेकेंगे ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर सेकने से अंदर तक पूरी सिकेगी नहीं और ऊपर से डार्क हो जाएगी, और लो फ्लेम पर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा वो। ये अनारसा जो होता है ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से आप एक एक अनारसा को इसमें डाल के दोनों साइड से बहुत ही प्यार से सेकिएगा। जब ये गोल्डन हो जाएगा उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। और अनारसा कई तरीक़ों से बनाया जाता है, कुछ अनारसे हलवा घाट के बनाया जाता है, कुछ इस तरह से मिक्स करके बनाया जाता है, कुछ होता है जो चावल को 2 से 3 दिन तक भिगो के बनाया जाता है। भिगोया हुआ जो अनारसा होता है ट्रेडिशनल वाला, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो वो भी मेरे चैनल पे है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इस अनारसा को बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।